नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। साथियों, लखीमपुर घटना के 6 दिन करीब हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कई सारे जो सवाल हैं वो बने हुए हैं और इसी वजह से विपक्षी दलों की गाड़ी हमेशा लखीमपुर की तरफ मुड़ जा रही है। सवाल कई सारे हैं। सवाल सबसे पहला तो यही है कि पुलिस ने गिरफ्तारी तो करी, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त है वो कहाँ है? आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा के बारे में बताया जा रहा है कि आशीष मिश्रा नेपाल चला गया है, क्योंकि उसकी फोन की जो लास्ट लोकेशन है वो नेपाल की बताई जा रही है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि 302 304 में पुलिस समन भेजने लग गई है, क्योंकि अब तक तो ऐसा नहीं पता था, क्योंकि इन गंभीर धाराओं में जब मुकदमे दर्ज होते हैं, FIR दर्ज होती है, तो समन नहीं भेजा जाता है। जहां तक मुझे पता है गिरफ्तारी सीधे करी जाती है, लेकिन पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है। इसके अलावा विपक्षी दलों की गाड़ी हमेशा लखीमपुर की तरफ क्यों मुड़ जा रही है? क्योंकि विपक्षी दलों ने यह कहा है कि हम न्याय दिलाकर ही रहेंगे और अगर हम चुप हो गए तो सरकार अपनी बातें मनवा लेगी और जो आरोपी हैं, जो अभियुक्त हैं, उन्हें बचा लिया जाएगा, क्योंकि बड़े ओहदे के लोग हैं, बड़े नाम इसमें शामिल हैं। अखिलेश यादव और संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, ये दोनों लोग आज बहराइच गए हुए थे, कल ये लोग लखीमपुर भी गए हुए थे, और आज बहराइच में जब संजय सिंह पहुंचे तो वहां पर जो पीड़ित परिवार है उन लोगों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फोन के जरिए बात करी और संतावना दी कि हाँ, इस पूरे मामले में हम जब तक न्याय नहीं होगा तब तक लड़ते रहेंगे। और पीड़ित परिवार ने भी इस बात को कहा है कि जब तक आप लोग हैं तब तक हमें कहीं ना कहीं हिम्मत बनी हुई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज जब बहराइच जा रहे थे तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस बात को कहा कि सरकार अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगवाती है और उस होर्डिंग्स में ये लिखा रहता है कि हमारा उत्तर प्रदेश न्याय प्रदेश है, लेकिन ये कैसा न्याय है जहां पर अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जहां पर पुलिस की कोई कार्रवाई अभी तक इस पूरे मामले में नहीं हुई है? परिवार जो पीड़ित है वो न्याय मांग रहा है, लेकिन सरकार और शासन प्रशासन मौन है। इसके अलावा अन्य राजनीतिक दल, क्योंकि आपने बीते दिनों भी देखा कि जिस तरह से कांग्रेस इस पूरे मामले पर सक्रिय रहा, सबसे पहले प्रियंका गांधी पहुंची, राहुल गांधी पहुंचे और BSP ने भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सक्रियता दिखाई है। तो ये तो बात हो गई राजनीतिक की, क्योंकि सरकार कह रही है कि सब कुछ शांत है और विपक्ष कह रहा है कि शांत नहीं है। तो ये सरकार की जो शांति है ये विपक्ष को हजम क्यों नहीं हो रही है? ये शांति सरकार की जो अभी तक करी गई है इस पूरे मामले को लेकर के, जो संतावना दी गई है पीड़ित परिवारों को, उससे विपक्ष क्यों खुश नहीं है? अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पूरे मामले पर सुनवाई करी थी सो मोटो के तहत और सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट तो जमा कर दी, लेकिन उस रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी खुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इस पूरे मामले में अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इस पूरे मामले में इतनी हिला हवाली क्यों हो रही है, इस पूरे मामले में जितने लोगों के नाम शामिल है अगर वो इस स्तर के लोग हैं तो इसकी जो जांच है वो CBI से ना कराई जाए। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर CBI जांच करता है, जांच करेगी, तो जो लोगों के नाम इस पूरे मामले में शामिल हैं वो कहीं ना कहीं जांच को गड़बड़ कर सकते हैं और इस वजह से CBI से इसकी जांच ना कराई जाए। इसके अलावा 20 अक्टूबर को अगली इसकी सुनवाई होनी है, लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार से CBI ने कई सारे सवाल पूछ लिए कि अभी तक आप लोगों ने कार्रवाई नहीं करी है, क्यों नहीं करी, किस तरह की कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है और इतना समय क्यों इसमें घसीटा गया है। 6 दिन हो जाने के बाद अब तक सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो मुख्य अभियुक्त है वो आशीष मिश्रा, वो इस वक्त नेपाल में चला गया है, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा अभी का जो मौजूदा अपडेट है, सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अजय मिश्रा, जो कि आशीष मिश्रा के पिता हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं गृह विभाग में, वो इस वक्त राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए हैं और इस दौरान जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा उनके बेटे को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर के, तो उन्होंने कहा है कि ये विपक्ष की साजिश है, मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, विपक्ष नाकाम होगा, मेरा बेटा उस जगह पर, उस मौके पर शामिल नहीं था, मौजूद नहीं था और ये सब कहीं ना कहीं एक प्री प्लान्ड साजिश है जिसके तहत मेरे बेटे को मुझे फंसाने की कोशिश करी जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो बैठक होनी है अवध क्षेत्र की, उसमें शिरकत भी करेंगे, तो जाहिर सी बात है वहां पर भी उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं और उसके बाद क्या प्रतिक्रिया होगी ये देखना अहम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और सबसे अहम कही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश कि सरकार और उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन इस बात को पुख्ता करे कि इस मामले से जुड़े हुए जो सबूत हैं वो नष्ट तो नहीं किए जा रहे हैं,
कोई भी सबूत नष्ट नहीं होना चाहिए, यह हिदायत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को जिस तरह से सरकार ने कोशिश करी कि शांत कर दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए, मुआवजा देकर के मामले को कहीं ना कहीं थोड़ा सा खत्म करने का प्रयास किया गया सरकार का, लेकिन विपक्षी दल और अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अपनी नजर बनाए हुए है। तो ये सारी कहानियां हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं ऐसे कि क्या पुलिस को कार्रवाई करने के लिए रोका जा रहा है? इस पूरी घटना के बाद जिस तरह से पुलिस सिर्फ नोटिसें चिपकाती हुई नजर आई है, कल और आज, आज पेश होना था आशीष मिश्रा को लेकिन वो पेश नहीं हुआ, और उसके बाद एक दूसरी नोटिस चिपकाई गई है और उसमें कल का समय दिया गया है कि कल आशीष मिश्रा को पेश होना पड़ेगा। क्या ये लड़ाई सत्ता और विपक्ष की हो गई है? क्या लोग जो न्याय मांगने बैठे हुए हैं वो सिर्फ अब सत्ता और विपक्ष की लड़ाई देखते ही रह जाएंगे? क्योंकि विपक्ष जिस तरह से इस पूरे मामले पर सक्रिय है और सत्ता इस पूरे मामले को ये कह रहा है कि सब कुछ ठंडा हो गया है, सब कुछ नॉर्मल है, तो क्या ये लड़ाई सिर्फ सत्ता और विपक्ष की बची है या फिर इसमें न्याय की कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है? इन्हीं सब सवालों के बीच आज हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस डिबेट को शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम मेहमानों को जोड़ेंगे और सबका पक्ष लेंगे। लेकिन सवाल कई सारे हैं, उन सभी सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन पीड़ित परिवारों तक सही तरीके से न्याय पहुंचे। एक रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर हिंसा के बाद जली आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। लखनऊ से लखीमपुर तक नेताओं की दौड़ जारी है। पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए विपक्ष के नेता कटिबद्ध नजर आ रहे हैं और न्याय दिलाने के साथ साथ बीजेपी सरकार को कोस भी रहे हैं। जांच नहीं हो पाएगी, यही मांग रहा है, सब कुछ मांगता है विपक्ष के, वो कह रहे कि आपके पर्चे जांच नहीं हो पाएगी। सही से सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि किस तरह से प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव और सतीश चंद्र मिश्र तक ने लखीमपुर में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, जिसके बाद बहराइच में पीड़ित पक्ष से मिलकर संवेदना जताई। बड़ी बात यह है कि अब यह मामला राजनीतिक दायरे से बाहर निकलता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस दिया सरकार को, उम्मीद बड़ी है सभी परिवार के लोगों कि अब न्याय मिलेगा। सरकार को दिखाना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए, ये जो बड़े बड़े विज्ञापन सरकार देती है कि सरकार दमदार सरकार है, तो दमदार सरकार को गरीबों के साथ खड़ा होना चाहिए। जिन्हें न्याय चाहिए दमदार सरकार उनके साथ खड़ी दिखाई दे, लेकिन इधर जो देखने को मिल रहा है समन भेजना, खाना पूर्ति करना है, सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ सरकार जागी है, जांच क्या होगी, हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, कहीं ना कहीं अब यह गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में जा चुकी है। यूपी सरकार अपना पक्ष रख रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा लगातार पुलिस की पकड़ से दूर है। हाँ जय हिंद भाई साहब, बड़ा दुख हुआ उसका सुन के पूरा कांड, और हम तो यही चाहते हैं कि न्याय हो और जो भी दोषी हैं वो पकड़े जाएं, उनको सख्त से सख्त सजा हो, यही उम्मीद तो हम लोग लगाए बैठे हैं, उनको सजा तो होनी चाहिए। बिल्कुल, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं और कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको सजा मिले। पुलिस ने टेनी के घर के बाहर नोटिस भी चस्पा कर दी है, लेकिन ये सिर्फ खानापूर्ति नजर आ रही है। जब कोई छोटे से छोटा अपराध होता है तो पुलिस तुरंत आरोपी को पकड़कर चार डंडे मारकर हवालात में डाल देती है, लेकिन जैसे ही कोई मामला चाहे वो जितना गंभीर हो किसी वीआईपी या खाकी से जुड़ा होता है तो वही तेज तर्रार पुलिस की गति कछुआ चाल में बदल जाती है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सामने आना पड़ा है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने शांति बनाए रखी, हमने उसको देखा, हमने कोई विरोध नहीं किया, हम अभी चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारे और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा।
खैर जो भी हो, 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी सरकार की छोटी से छोटी गलती विपक्ष के लिए बड़ी से बड़ी उपलब्धि में बदल सकती है, और यही वजह है कि लखीमपुर हिंसा मामले पर विपक्ष शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है और सरकार चाहकर भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। और लगातार सरकार से मांग है कि यह कानून वापस लीजिए और हमारे साथ सलाह मशवरा करके आप ऐसा कानून लाइए जिससे हमारा भला होता है। लेकिन अफसोस इस बात की कि साल भर से सरकार ने किसानों की एक भी नहीं सुनी, और अब तो ये हालात हो गए कि साल भर से उनकी आवाज को चल रहे हैं, अब शरे आम किसानों को ही कुचलने में आ गए हैं। चाहे हम देखें कि कैसे लाठियों के साथ हरियाणा में क्या व्यवहार हो रहा है, दिल्ली के बॉर्डर में क्या व्यवहार हो रहा है, कुछ दिन पहले राजस्थान में लाठियां खाई, यहां तो गाड़ी के साथ मंत्री का बेटा कुचल दे, जो मंत्री 5 दिन पहले एक भरी सभा में कहते हैं कि हम इनको सबक सिखाएंगे, सुधर जाए। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। सबसे पहले मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। विवेक श्रीवास्तव हैं, बीजेपी से पार्टी का पक्ष रखेंगे, किसानों की बात भी सरकार तक पहुंचाते आए हैं लंबे समय से। संजय सिंह हैं, कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा इमरान लतीफ आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं हमारे साथ, और प्रदीप चौधरी समाजवादी पार्टी से हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। देखिए, कई सारे साक्ष्य निकलकर सामने आए, हालांकि कहा यही बार बार जा रहा है कि कोई भी साक्ष्य नहीं है, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे निकलकर सामने आए हैं जहां पर गाड़ियां किसानों को रौंदती हुई चली जा रही हैं। उस वीडियो के पहले क्या हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये वीडियो जो निकलकर सामने आया उसमें किसानों को कुछ गाड़ियां जो है वो रौंदती हुई चली जा रही थी। इसके अलावा इसके पहले कुछ ऐसे प्रमुख बयान भी थे अजय मिश्रा के, जिस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हुए नजर आए थे, जहां पर उन्होंने ये कह दिया था कि हम अपनी तरफ से समझा देंगे। अब से थोड़ी देर पहले एक वीडियो और सामने आया है जहां पर एक बीजेपी के विधायक हैं रोमी साहनी, इन्होंने एक मंच से बयान दिया है कि वहां पर जो भी हुआ हम बहुत खुद को कंट्रोल किए हुए हैं, हम चाहते तो और भी बहुत कुछ हो सकता था। तो इस तरह की बातें क्यों निकलकर सामने आ रही हैं इस पूरे माहौल के बाद, इस पूरी घटना के बाद, ये भी सवाल है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साक्ष्य को मिटाने का प्रयास ना किया जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के मन में ये डर है कि हो सकता है इस पूरे मामले के जो साक्ष्य हैं वो मिटाए जा सकते हैं। हम मेहमानों को जोड़ेंगे, सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलेंगे। विवेक जी, आप किसानों की बात एक लंबे समय से सरकार तक पहुंचाते आए हैं, अभी की अगर हम आपसे पूछें तो ये आशीष मिश्रा कहाँ है? इसको समन दिया गया था आज पेश होने के लिए, लेकिन कुछ पता नहीं चला, अब दूसरा समन पेश किया, इनके दरवाजे पे चिपकाया गया है कि आपको कल पेश होना है। देखिए, आशीष मिश्रा के बारे में जहां तक उनके चचेरे भाई ने बताया है कि आशीष मिश्रा इस समय लखीमपुर में नहीं है और वो कल समय से उपस्थित होंगे अपनी बात रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। जिस तरह से इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया, अभी तक आशीष मिश्रा के विरुद्ध कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे उनको हम ये कह सकें कि नहीं, वो इसमें शामिल हैं। अच्छा। वो बार बार तमाम मौक़ों पे कहते आए कि मैं घटनास्थल पे नहीं था, मैं पूरा दिन उससे दूर दूसरे जगह जहाँ दंगल हो रहा था वहाँ पे था। और ऐसे में हाई पावर कमेटी इसकी जांच कर रही है, सक्षम अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं, बिना जांच रिपोर्ट आए किसी को अपराधी करार देना ये उचित नहीं है। अच्छा। और जांच जारी है, ऐसे में कुछ हमारे द्वारा कहा जाना या किसी सरकार के द्वारा किसी के द्वारा कहा जाना एक तरह से जांच को कटघरे में लाना होगा। तो जांच निष्पक्ष रूप से चलती रहे, और चूंकि गिरफ्तारी विवेचक का विवेकाधिकार है, तो अब किसको गिरफ्तार करना है, किसको क्या करना है, विवेचक के ऊपर छोड़ दिया जाए, और जांच में जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम इतना ही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी जो अपराधी होगा बख्शा नहीं जाएगा, यदि वो जरा भी अपराध में लिप्त है तो सीबीआई के पीछे। ये सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रहा है कि जिस पद पे वो बैठे हुए हैं अगर उस पद पे बैठे रहेंगे तो सीबीआई से जांच ना करवाई जाए, और सुप्रीम कोर्ट का काहे का डर है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है कि आप लोग साक्ष्य मिटा सकते हैं तो साक्ष्य तो बिल्कुल मत मिटाइएगा। देखिए,
पहली बात तो ये आशंका बेबुनियाद है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की भी किस घटना के साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की भी आशंका बेबुनियाद। मेरी बात सुन लीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के वेब पर पश्चिम नहीं लगा रहा हूँ, जो विषय आपने उठाया मैं उस पर अपना बयान दे रहा हूँ। जो घटना सैकड़ों लोगों के बीच घटी है, जिसके लोग चश्मदीद हैं, जिसकी लोगों ने वीडियो क्लिप बना रखी है, उसमें ये कैसे हो सकता है कि साक्ष्य मिटाया जा सके? ये कोई बंद कमरे की घटना नहीं है, कोई सरकमस्टेंसेज एविडेंस का सवाल नहीं है कि उसको साक्ष्य मिटा करके आप घटना को प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा। इसके तो जो भी साक्ष्य है वो जग जाहिर हैं। अच्छा। जांच चल रही है, जांच होने दीजिए, जांच को परिणाम तक आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके पहले कोई टिप्पणी करना जांच की विश्वसनीयता पे प्रश्न लगाने के समान है। ठीक है, हम आते हैं आपके पास। हम संजय सिंह जी आपके पास आएंगे। ये बताइए, आपको लग रहा है कि कार्रवाई अब सही हो रही है? दो लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, कल एक समन चिपकाया गया था, दूसरा समन चिपका दिया गया, तो पुलिस सही तरीके से काम कर रही है? देखिए, पुलिस तो एकदम सही ढंग से काम कर रही है। मतलब संतुष्ट हैं आप? मैं पुलिस से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। पुलिस अपना काम वैसे ही कर रही है जैसे सरकार चाह रही है। अच्छा, सरकार की मंशा को ही क्रियान्वित करना पुलिस का काम है। इससे पहले भी मैं आपके चैनल पे जब बैठा था, मनीष गुप्ता का जो मामला था, मनीष गुप्ता के मामले में जयनारायण सिंह जो है इंस्पेक्टर, अभी तक लापता है, उनके खिलाफ FIR हुई। अच्छा, ये लापता बड़ी जल्दी हो जाते हैं लोग। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आशीष मिश्रा अगर सही है, अगर उसने उसका कोई गुनाह नहीं है, तो वो लापता क्यों है? उसको सहयोग करना चाहिए। उसके पिताजी तो गृह राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तो वो फिर लापता क्यों है? उसे तो आगे सहयोग करना चाहिए ना। कानून का सबसे ज्यादा पालन तो हम जो देश में मंत्री हैं, मंत्री का परिवार है, उनसे ही हम उम्मीद करते हैं ना कि कानून का सबसे ज्यादा पालन वही करेंगे और देशवासियों के लिए नजीर बनेंगे कि देशवासी भी उसका अनुपालन करें। तो वो लापता क्यों है? उसे आगे सहयोग करना चाहिए। प्रियंका गांधी जी ने इस मामले को सबसे पहले उठाया, वो वहां गई, उठा के पुलिस ने बंद कर दिया। पुलिस का काम है कि कोई भी आरोपी जिसपे शंका हो, आपको तो अच्छा, आपको तो ये अच्छा होना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं वहां पे पहुंचने की अनुमति मिली, कोई वहां तक नहीं पहुंच पाया, सबको घर के बाहर ही पकड़ के रख लिया इन लोगों ने। देखिए, आपको तो वहां तक पहुंचा भी दिया। देखिए, अनुमति मिली नहीं, अनुमति जिससे प्रियंका गांधी जी ने ली। हम लोग उस रात को जब जा रहे थे, ये लोग डर गए थे क्या? श्रीवास्तव जी डर गए थे? विवेक जी, शासन प्रशासन जो है वो डर गया। प्रियंका गांधी जी इससे, वो जिद्दी स्वभाव की हैं, वो जो ठान लेती है। हाथरस में भी हुआ, हाथरस में जब वो पीड़िता रात में जला दी गई, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी उनके आवास पे जा रहे थे, उन्हें एक बार रोका गया, लेकिन दूसरी बार जिद ठानी तो दूसरी बार एकदम बैरिकेटिंग तोड़ते हुए प्रियंका गांधी जी उनके घर पहुंची। वही हाल यहाँ रहा, बैरिकेटिंग तोड़ते हुए सीतापुर पहुंची, लखीमपुर जा रही थी, रास्ते में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, दो दिन कैद में रखा गया। जब यहाँ प्रधानमंत्री का दौरा खत्म हुआ, आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उसमें एक तो विपक्ष को शामिल नहीं किया, जैसे लगता है केवल भाजपा आजाद हुई, आजादी कांग्रेस ने दिलाई और कांग्रेस का एक नेता वहां शामिल नहीं था, और दूसरी तरफ कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता को कैद में रखा गया था सीतापुर में। तो वो कहीं परमिशन दी नहीं गई, परमिशन ले ली हम लोगों ने, कहीं ना कहीं कानून है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की टिप्पणी कर रहा है, आपको लग रहा है ये मामूली टिप्पणी है, वो टिप्पणी सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री पे है। केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, केंद्रीय मंत्री के रहते क्या पुलिस जो है अपना काम सही ढंग से कर पाएगी? एक तो सीबीआई को भी कह रही कि सीबीआई एक 302 के अपराधी, मैं नहीं कह रहा हूं, एक 302 के आरोपी को पुलिस तुरंत तुरंत उसको पकड़ के पूछताछ करनी चाहिए या इंतजार करना चाहिए? लेकिन पुलिस जो है वो व्यस्त थी, शासन सरकार के अनुसार वो काम कर रही थी, विपक्ष के नेताओं को रोक रही थी, प्रियंका गांधी जी को कैद कर दिया, फिर बाद में और नेता जो जा रहे थे उनको उन लोगों ने रोक लिया। ठीक है सर, पुलिस से यही काम लिया जा रहा है फिलहाल। ठीक है, प्रदीप जी आवाज मिल रही है आपको? भाई साहब, ये पूछ रहा था कि आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बहराइच गए थे, और वो बहराइच जाने से पहले उन्होंने कहा कि सरकार अपनी होर्डिंगें लगवा देती है जिसमें अपने आप को दमदार बताती है, लेकिन जब न्याय नहीं दे सकती है तो काहे के दमदार। तो जब ये लोग कह रहे हैं कि सब कुछ शांत कर दिया है, शांत हो गए हैं, जो पीड़ित परिवार हैं वो भी मान गए हैं, तो फिर आप लोग क्यों अपनी गाड़ी बार बार उधर मोड़ देते हैं भाई?
नितिन जी मेरी आवाज आ रही है? जी भाई साहब बोलिए, आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का चार चरित्र चेहरा। अच्छा, अभी श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि वो मौके पर नहीं थे या वो मौके पर थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ श्रीवास्तव जी से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है लगातार कोई भी घटना होती है इनको सफाई क्यों देनी होती है? हाथरस के मामले में मुलजिम को ये बचाना चाह रहे थे, जबकि और एसएसपी डीएम को भी बचाना चाह रहे थे जिसने रात को डेड बॉडी मिट्टी का तेल डाल के उस मासूम बच्ची के जिसको पीड़िता थी उसको जला दिया और लास्ट में उच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दिया और उन दरिंदों को फांसी हुई। तो धूप करके चाटना कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। अच्छा, जिस तरीके का लखीमपुर खीरी में हुआ तांडव, उस दिन पहले देश के गृह राज्य मंत्री धमकी देते हैं कि मेरा इतिहास जान लीजिए, मेरे बारे में जान लीजिए, उसके बाद उनका बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है और वो बेटा गायब भी हो जाता है। मैं आपके माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं और श्रीवास्तव जी सुन रहे होंगे जी, क्या किसी एसएसपी पर मुकदमा लिख जाए किसी थाने में, उस दरोगा की हिम्मत है कि उनकी विवेचना कर लेगा? अगर न्याय चाहते हैं और किसानों के थोड़ी भी हमदर्दी बची है भारतीय जनता पार्टी में, थोड़ी भी शर्म बची है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो तत्काल परे गृह मंत्री का इस्तीफा दिलवाया जाए। एक देश का गृह राज्य मंत्री जिस मुकदमे में मुलजिम हो, आरोपी हो, उस पर आप निष्पक्ष जांच की मांग कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हाईकोर्ट को जिन्होंने सोमोटो संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट सर? नहीं नहीं, हाईकोर्ट ने भी लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है साक्ष्य मिटने का संदेशा जताया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट पे जो हमारी न्यायपालिका को भरोसा नहीं है तो आम जनमानस की क्या स्थिति होगी? बेचारे किसानों की 10 महीने से बॉर्डर पे किसान पड़े हैं, इनको थोड़ी भी लिहाज शर्म नहीं आती है? भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री आजादी का महोत्सव लखनऊ में मना रहे हैं और 10 कदम की दूरी पे किसान के आंसू नहीं रुक पा रहे हैं। 8-8 आदमियों की हत्या हो जाती है, तमाम लोग घायल हो जाते हैं, देश का अन्नदाता पीड़ित है और ये लोग महोत्सव मनाते हैं। ठीक है सर, आता हूं मैं फिर। और महोत्सव नितिन जी महोत्सव भी उस चीज का जिसकी आजादी से ना इसकी पार्टी का ना इनके किसी नेता का कोई लेना देना नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। ठीक है, इन्हें सत्ता चाहिए, इन्हें ना किसान से मतलब है ना नौजवान से मतलब है। ठीक है, ठीक है सर, आता हूं मैं आपके पास। इमरान लतीफ, मैं आपसे पूछना यह चाहूंगा कि आज संजय सिंह गए हुए थे बहराइच, वहां पर अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित परिवार से फोन से बात भी की, तो जब सब कुछ शांत है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर आप लोग क्यों धीरे धीरे कहीं कहीं से आग लगाने की कोशिश किया करते हैं? भाई विवेक श्रीवास्तव जी की समस्याएं क्यों आप लोग बढ़ाते हैं? कहां शांत है ये बीजेपी वाले तो यही बात कहते हैं, बीजेपी वाले तो ये श्रीवास्तव जी यही बात कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग शांत करना चाहते हैं किसान। अच्छा, जिस तरीके से कारपोरेट घरानों की गुलामी में मोदी सरकार शांत है, भारतीय जनता पार्टी शांत है, उसी तरीके से किसानों को शांत करने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या आपको लगता है कि आरोपियों को बचाया जा रहा है? और वो किस टाइप की शांत, किस टाइप से शांत करना चाहते हैं, किस प्रकार से शांत करना चाहते हैं? जो शांति मरघट में होती है, कब्रिस्तान में होती है, शमशान में होती है, वही शांति वो किसानों को देने पे आमादा है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार। नहीं तो आपको लगता है कि आरोपियों को बचाया जा रहा है? बिल्कुल बचाया जा रहा है। आप लगातार देखिए, एक के बाद एक उदाहरण आपके पास उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी एक दिन पहले वीडियो बनाकर योगी आदित्यनाथ जी से गिड़गिड़ाता है अपनी जान बचाने के लिए। वो साफ साफ कहते हैं कि वहां का एसपी उनकी जान ले लेगा रंगदारी ना देने की वजह से। अगले दिन उनकी हत्या हो जाती है और गजब की बात देखिए कि महोबा का एसपी फरार है। एक साल से ज्यादा का समय हो गया है योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस को, उनकी एजेंसी को एसपी नहीं मिल रहा है जो लापता चल रहा है।
अभी हाल ही में हमने गोरखपुर के अंदर देखा कि मनीष गुप्ता के हत्यारे जगत नारायण सिंह जो वहां के इंस्पेक्टर थे और उनके साथ जो सहकर्मी पुलिस वाले थे सब लापता हैं। तो वही मामला आज फिर से लखीमपुर के अंदर भी है, केंद्रीय मंत्री का बेटा लापता है जिसके खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य दिखे हैं, वीडियोस दिखी हैं, और आप देखिए 25 सितंबर को क्या बयान दिया था। नहीं तो ये विवेक जी कह रहे हैं कि जो वीडियो आए हैं उसमें आशीष नहीं था, आशीष उस दौरान कहीं और था, कहीं और कार्यक्रम में बिजी था, जहां दंगल हो रहा था वहां पर था। अरे भाई काली पट्टी बांध के देखिए कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा, अगर अपने चश्मे से देखने की कोशिश आप करेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा। आज जो ये लेट लपेट करने का प्रयास किया जा रहा है, मामले को जो खींचने का प्रयास किया जा रहा है, ये इसीलिए किया जा रहा है जो आशंका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जताई है, दरअसल वो आशंका नहीं है, वो बिल्कुल सच बात है। इसी वजह से लेट लतीफी की जा रही है, इसी वजह से देरी की जा रही है कि जितने साक्ष्य हैं, जितने गवाह हैं, उन साक्ष्यों को मिटाया जाए, गवाहों जो गवाह हैं उनकी जुबान को दबाया जाए ताकि कोई भी सच सामने ना आ पाए और जो सही दोषी हैं लखीमपुर के दुर्दांत जनसंहार के उनको सजा ना मिल पाए। ये पूरी तरीके से प्लांट किया जा रहा है, पूरी तरीके से दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है, पूरी तरीके से लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, साक्ष्यों के मिटाने का प्रयास चल रहा है, इसी वजह से सारी लीपापोती चल रही, सारी हिलाहवाली चल रही है। आप बताइए कैसे न्याय मिलेगा? केंद्रीय मंत्री को अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है, जब तक अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक आप कैसे उम्मीद करते हैं कि न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल न्याय नहीं मिलने वाला। अगर निष्पक्ष जांच होनी है, अगर वाकई दोषियों को सजा देने का प्रण भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है या उनके दिमाग में कहीं से 1% है कि लोकतंत्र को 1% जीवित रखना है, लोकतंत्र पे विश्वास बनाए रखना है, सरकार पे विश्वास बनाए रखना है, जनता का, किसानों का, तो अगर 1% भी बनाए रखना है तो आपको किसानों के लिए लोकतंत्र में विश्वास बचा रहे, ठीक है सर, के लिए ठीक है, आता हूँ। अजय मिश्रा को बर्खास्त करना पड़ेगा तभी जिस पर जांच, ठीक है, मैं आता हूँ। विवेक जी आपने बातें सुनी सबकी, सबने क्या कहा, क्योंकि सबका लगभग यही कहना है कि आरोपियों को बचाने की कोशिश करी जा रही है और पूरी हिला हवाली जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर ही है, इसी वजह से पुलिस कार्रवाई सही तरीके से नहीं कर रही है। कितने सहमत हैं आप इन सब बातों से, इन सब आरोपों से? देखिए नितिन जी, विपक्ष जिस तरह से लाशों के बीच जमीन तलाश रहा है वो बार बार ये कहता फिर रहा है कि 8 लोगों की जान गई, उन 8 में 4 तो हमारे ही दल के हैं सर, उनसे भी तो हमारे कोई मिलने का नहीं है, मिलने कोई भाजपा का नहीं, मेरी, तो कोई बीजेपी का नहीं। मेरी बात सुन लीजिए, जितनी संवेदना 3 हमारे कार्यकर्ता हैं, स्वयं मंत्री जी का ड्राइवर है, और ऐसे में जिस तरह से विपक्ष जाकर के लाशों में अपने लिए जमीन ढूंढ रहा है, सरकार इसको दुर्घटना मान करके और इसको जो भी जिनकी शिकायतें हैं उनके प्रार्थना पत्र पे मुकदमा दर्ज करके जांच को आगे बढ़ा रही है। जो लोग घायल हैं, जो लोग हताहत हुए हैं, उनके लिए मुआवजे का ऐलान सरकार कर चुकी है और हमारी आज भी पूरी संवेदना उन पीड़ित परिवारों के प्रति है जिन्होंने अपने लोग खोए हैं। वहाँ पे जाकर के विपक्ष कौन सी राजनीति चमकाना चाहता, हमारे से ये समझ से परे है। बार बार ये लोग कहते हैं कि अजय मिश्रा जी का इस्तीफा होना चाहिए। अजय मिश्रा जी का इस्तीफा उसमें होने का क्या विषय है? अजय मिश्रा जी घटना स्थल पे नहीं है, अजय मिश्रा जी का इस घटना से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रहा है कि भैया अगर ये इस स्तर के लोग इसमें शामिल हैं तो सीबीआई से जांचें ना करवाई जाए, और अगर सीबीआई जांच सही तरीके से नहीं कर सकती तो यूपी पुलिस कैसे करेगी? उच्च न्यायालय देखिए, उधर खाई है तो इधर कुआं है, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उधर खाई देख रहा तो इधर भी कुआं ही है। उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त जस्ट जांच तो शुरू हो चुकी है और उसका नोटिफिकेशन भी हो गया है, तो ऐसे में सीबीआई से जांच हो ही कहाँ रही है? काजी जी क्यों दुबले शहर के अंदेशे से, जो इन पार्टियों का अपना खुद का अनुभव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही आरोपित करना चाह रहे हैं। भूपेश बघेल के पिताजी गिरफ्तार हुए थे, भूपेश बघेल ने इस्तीफा दे दिया था क्या? तुरंत गिरफ्तार तो हुए,
रहने कहने की बात भूपेश बघेल ने कोई क्राइम नहीं किया था, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था जो सामाजिक रूप से कहीं सही नहीं बैठता, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, मुकदमा हुआ था, गिरफ्तार हुए थे, उनके पिताजी ने एक ऐसा वक्तव्य दिया था जिसपे तुरंत मुकदमा हुआ और गिरफ्तार हुए और मुख्यमंत्री ने ही गिरफ्तार कराया, मुख्यमंत्री की मंशा थी, पुलिस ने गिरफ्तार किया, यहाँ मुख्यमंत्री की मंशा नहीं है, इसलिए आशीष मिश्रा नेपाल में पर्यटन कर रहा है। आशीष मिश्रा कोई सूबे के मुख्यमंत्री के पिता या पुत्र तो है नहीं, उनके पिताजी गृह राज्यमंत्री है, नोटिस राज्यमंत्री है, उसी पद को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणी की है। देखिए देखिए संजय जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का प्रदेश की कानून व्यवस्था में कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार होती है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, यहाँ भी भाजपा की सरकार, और जिसके एक मंत्री ने पहले कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, तो उससे सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट होती है, और सरकार की मंशा इस बात पर भी स्पष्ट होती है कि आज छठा दिन है, दूसरी नोटिस लग रही है, पुलिस केवल नोटिस लगाने तक सीमित है, यहाँ पे एसओजी है, एसटीएफ है, तमाम तरह की संस्थाएं हैं जो उसको एक मिनट में आरोपी को पकड़ के पूछताछ करके उसका पक्ष अपने पास रख सकती थी, अभी तक उस आरोपी का पक्ष भी नहीं आया, उसका एकमात्र कारण है, और न ही अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का कोई आह्वान आया कि बेटा आओ और अपना पक्ष रखो। देखिए उसके चचेरे भाई ने कहा है आशीष मिश्रा कि वो कल तक आएंगे, दूसरी नोटिस छपा कल तक प्रतीक्षा कर लीजिए, कानून अपना काम कर रहा आगे भी करेगा, यदि वो नहीं हाजिर होते तो उसकी कानूनी प्रक्रिया है, उसके लिए पुलिस 482 लेगी अदालत से, जो भी होगा आगे कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है, स्वसंज्ञान लिया है, तब उसके बाद लगा कि पुलिस कुछ कार्रवाई करने लगी, उससे पहले ऐसा क्या हुआ कि आज दूसरी नोटिस लगी है, उसी जो लोग पकड़े गए हैं, मैं क्लियर कर देता हूं, पकड़े गए हैं उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि भैया आगे वाली गाड़ी में थे, मैं क्लियर कर देता हूँ, इसमें जो पहला सो मोटी की सुनवाई कल हुई है उसके बाद बाकी के जो दो लोग थे आशीष पांडे उनको गिरफ्तार किया गया था, और एक और उनके जो साथी थे, मैं वही कह रहा हूं, जो स्कॉर्पियो चला रहा था, मैं वही कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तब जो है आशीष मिश्रा के अलावा दो लोगों की गिरफ्तारी हुई, नहीं तो उन लोगों की भी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, 5 दिन हो गए थे, और मैं बताऊं भाजपा का आईटी सेल लगा हुआ था, उसने 2 वीडियो जारी किए और लगा हुआ था कि वो तालिबानी है, वो खालिस्तानी है, इस तरह की बताने में लगा हुआ था उन वीडियो के माध्यम से, और उनको आरोपी को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में और वीडियो आए जो एकदम स्पष्ट कर रहे थे कि नहीं गाड़ी चढ़ाई गई है और पूरे विवेक के साथ चढ़ाई गई है, जानबूझकर चढ़ाई गई है, गैर इरादतन नहीं, वो 302 का सीधा सीधा मामला बनता है, हम अभी भी अपराधी नहीं कर रहे हैं आशीष मिश्रा को, लेकिन आशीष मिश्रा जिस तरह से फरार हैं हम ये कहेंगे कि चोर की दाढ़ी में तिनका, उन्हें आके अपना पक्ष रखना चाहिए था, देश के गृह राज्य मंत्री को अपील करनी चाहिए कि बेटा तुम आओ, गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, कौन है फंसाने वाला, गृह राज्य मंत्री खुल के बताए। ठीक है, देखिए वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, लंबा राजनीतिक जीवन है, उसके पूर्व वहाँ स्थानीय विधायक भी रहे हैं, सांसद हुए, सांसद के बाद दोबारा सांसद हुए, मंत्री बनाए गए हैं, तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता हो सकती है उनका अपने किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी के ऊपर इशारा हो, खुलकर बताएं, वो भी पुलिस का सहयोग का विषय रही बात, भारतीय बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल की बात, तो ना तो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल किसी को क्लीन चिट दे सकता है, ना किसी को अपराधी बता सकता, आप देख लीजिए दूसरे दिन कौन से वीडियो जारी हुए थे, देखिए एक शूट का वीडियो जारी हुआ, आपके पास कोई वीडियो जिसमें आशीष मिश्रा गाड़ी चलाते दिख रहे हो तो आप जारी कर दीजिए, नहीं वो तो सबके पास है, ये दोनों वीडियो आपके पास कोई ऐसा हो, दोनों वीडियो पब्लिक फोरम पे है, सोशल मीडिया पे, आपके पास देखिए तमाम विपक्षी नेता वहाँ दौड़ आए हैं, वहाँ के हो आए हैं, अगर किसी के पास कोई ऐसा वीडियो तो आप कानून की मदद कर दीजिए, जितने भी वीडियो हैं कानून की मदद हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, ये कानून की मदद ही है कि हम लोग इस मुद्दे को पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ हम लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अन्यथा इसका भी वही हाल हुआ होता, आचार्य नरेंद्र गिरी का क्या चल रहा है मामला नहीं जान रहे, मनीष गुप्ता में क्या चल रहा है नहीं जान रहे, जयनारायण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है हम नहीं जान रहे। मेरी बात सुन लीजिए, घटना में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मौके पे ना आप थे ना मैं था, सब लोग वीडियो क्लिपों के ही सारे बात, आप एक बात बता दीजिए, जयनारायण सिंह की गिरफ्तारी कब तक कर लेगी उत्तर प्रदेश सरकार, करवा लेगी,
मेरी बात जो इस विषय पर चर्चा करें पहले उस पर बात सुन लीजिए। वो भी विषय है। अब रही बात उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था एक विषय है, गाड़ी चला रहा अपने आप में एक विषय है, उसको तो भीड़ ने मार डाला। आप 302 का मुकदमा लिखा रहे हैं। अगर आशीष मिश्रा पहले तो कह रहे कि मैं मौके पे था नहीं, आशीष मिश्रा जब गाड़ी नहीं चला रहे तो उनको आप किस 302 की धारा में गिरफ्तार कर रहे हैं? तो किस बेस पे कह सकते थे या नहीं थे, ये तो जांच का विषय है कि नहीं? जांच का विषय है ना, ये जांच का विषय है कि नहीं? तो जांच का विषय है तो वो अगर मौके पे नहीं थे तो पुलिस के पास आके सरेंडर क्यों नहीं करते हैं? वो आकर के जवाब, वो पुलिस की जाँच में सहयोग क्यों नहीं करते हैं? वो कल तक का उन्होंने उनके भाई ने कहा कि कल वो आएंगे, कल तक का समय देख लीजिए। इतना दूर चले गए वो, कहीं हर आदमी कानूनी, इतना दूर चले गए कानूनी। मैं कह रहा हूँ कि वो अपने पिताजी के पास जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके पास चले गए होते। उनके पास कोई ऐसी पावर नहीं है जो उसमें वो उनकी सीधी कोई मदद कर पावे। मदद क्यों, संरक्षण तो दे ही सकते हैं। अगर बेटा निर्दोष है, अगर बेटा निर्दोष है तो एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संरक्षण तो दे सकता है, पुलिस की तहकीकात में सहयोग तो कर सकता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में वो कांग्रेस वाला कल्चर नहीं है कि रावण बढ़ेरा मूल कांग्रेस का कल्चर छोड़िए, कांग्रेस के कल्चर में एक ट्रांसफर का मामला आया था, पवन बंसल ने इस्तीफा दिया था, भारतीय जनता 2G स्कैम में मामला आया जिसमें बाद में कांग्रेस को, सुन लीजिए पहले, कांग्रेस पे आप आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पे आप आरोप लगा रहे हैं, सुन लीजिए, हम बता रहे हैं कांग्रेस का कल्चर, सुन लीजिए भाजपा का कल्चर है 2G स्कैम घोटाला कांग्रेस पे लगा, ए राजा ने इस्तीफा दिया, जेल गए, जांच में सहयोग किया, क्लीन चिट लेके आए हैं, ये भाजपा का कल्चर है जहां इस्तीफे नहीं होते हैं और जुर्म को सर पे रख के ढोया जाता है और बाद में वॉशिंग मशीन में उसके पता नहीं कैसे धुल देते हैं कि क्लीन चिट हो जाते हैं। आप ही की सरकार ने ए राजा को क्लीन चिट दिया है, कांग्रेस ने उनको आरोपी माना था, वो जेल गए थे। ये आपके यहाँ का कल्चर है कि आपके यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, आपके यहाँ गिरफ्तारियां नहीं होती हैं, आपके यहाँ बलात्कारी, आपके यहाँ व्यभिचारी, आपके यहाँ हत्या करने वाला, उसको पूरा भाजपा सरकार का संरक्षण देता है। हम बाकी लोगों को जोड़ते हैं। हाँ प्रदीप भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बहुत देर से बताइए क्या कह रहे थे। नितिन जी, मैं दोनों भाइयों की बात सुन रहा था, श्रीवास्तव जी को भी सुन रहा था जी। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं, ईमानदारी की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है देश का, एक गुजरात का तड़ीपार देश का गृह मंत्री है और एक उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री सीटर गृह राज्य मंत्री है। और श्रीवास्तव जी कह रहे हैं राजनीतिक लंबा जीवन, उनका 12 वर्ष का मात्र राजनीति जीवन है। अच्छा, बाप बेटा दोनों पे हत्या के तमाम मुकदमे चल रहे हैं पहले से, और मिश्रा जी पे भी 302 का मुकदमा चल रहा है। लखीमपुर और सीतापुर में इनका आपराधिक इतिहास पूछ लीजिए। अच्छा। आदमी छूटते ही कहता कि स्मगलर है, किसी मुकदमे में जेल नहीं गया, किसी मुकदमे में सजा नहीं हुई है। नितिन जी जी, गिरफ्तारी की अगर ये बात करते हैं तो मैं श्रीवास्तव जी से पूछना चाहता हूँ, मणिलाल पाटीदार क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है जब एक प्रदेश में देश का आईपीएस फरार है, आज तक नहीं पकड़ा गया। पुष्पेंद्र यादव का हत्यारा इंस्पेक्टर आज भी घूम रहा है, नोएडा में जिम ट्रेनर जितेंद्र यादव का हत्यारा आज भी घूम रहा है, मनीष गुप्ता का हत्यारा जेएमसी क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? और आप बात करते हैं कानून की, अरे कानून से अगर कोई खिलवाड़ करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। कानून को तमाशा अगर किसी ने बनाया तो बीजेपी ने बनाया है। इस देश के जो हालात हैं और प्रदेश के हालात हैं किसी से छुपे नहीं है। आपको केवल सरकार से प्यार है। आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि राजनीतिक लोग गाड़ियां लखीमपुर खेरी लेके जा रहे हैं, क्या आपके यहां कोई घर परिवार में रिश्तेदारी में कमी होती है? आप जाते हैं नहीं जाते? जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश में प्रत्येक घटना को बारीकी से ध्यान रखते हैं, लोगों की संवेदनाएं बांटते हैं, उनके साथ मदद का प्रयास करते हैं, अपने संसाधन हेलो जी बोलिए आ रही आवाज। और अब ये लास्ट की राजनीति करने की बात करें श्रीवास्तव जी, 2012 में हमारी सरकार बनी थी और हमारे कोसी में एक हेमराज शहीद हुए थे जिनका सर गायब हो गया था,
भारतीय जनता पार्टी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, राजनाथ जी रात और दिन वहां पे पड़े हुए थे उसी में, और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम एक के बदले 10 सिर लेके आएंगे। आज उस परिवार की सरकार बनने के बाद उन्होंने कोई मदद नहीं की है। अच्छा, ये श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, प्रदीप भाई श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि अजय मिश्रा जिस पद पर हैं उस पद से कुछ लेना देना नहीं है, वो इस पूरी जांच में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मैं ये ऐसा श्रीवास्तव जी को साथ जानकारी नहीं है, फिर बेचारे को झुंझुना काय के लिए पकड़ाया था भैया, क्या वोट की और जाति की राजनीति लखनऊ आए हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। गृह राज्य मंत्री आज लखनऊ आए हुए हैं। नितिन जी जो व्यक्ति आरोपित है कौन, इसको जेल में होना चाहिए, वो जेल प्रमुख की आज बैठक ले रहा है। कितना दुर्भाग्य देश का। और मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, अगर थोड़ी भी लिहाज शर्म बची है सरकार में, पहले मिश्रा का जो गृह राज्य मंत्री है उनका इस्तीफा दिया जाए। और आपसे भी मैं एक बात कहूंगा जी, आप मीडिया से हैं, आप जी भी एक साथी मारा जी, आप देश का चौथा स्तंभ है। अरे सर, ये जो ना मैं ये कह रहा हूं ना, सुनिए मेरी बात भी सुनिए, जब ये बीजेपी वाले अपने कार्यकर्ता के घर नहीं गए तो मीडिया वाले के घर कहाँ जाएंगे? तो ये संवेदनशील लोग नहीं है, ये असंवेदनशील लोग है। मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात, देश की सरकार में जो बेओलाद लोग आ गए हैं, जिनको कोई, जिनके खुद की कोई औलाद नहीं है, उनको क्या औलाद से हमदर्दी होगी? ये तो उसके माँ बाप से पूछो जिसका जवान बेटा गया है। ठीक है सर, आते हैं हम आपके पास। और ये लोग ये चाहते हैं कि हम उनकी संवेदना भी प्रकट करने ना जाए, अखिलेश यादव जनता के बीच में ना जाए। आप अपनी योजनाओं का प्रचार करोगे, सरकार के माध्यम से प्रचार करोगे, और हम लोगों का दुख दर्द भी नहीं बांटेंगे। ठीक है, जब भी हम लोग जाने का प्रयास करते हैं धारा 144 लगा देते हैं। ये समाजवादी लोग डरने वाले नहीं है। ठीक है, आता हूँ मैं। श्रीवास्तव जी, किसान के साथ, नौजवान के साथ जहाँ भी कोई घटना दुर्घटना होगी, समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ खड़ा होगा। ठीक है, हो गई बात आपकी, आ गई, मैं आता हूँ। इमरान, आप कुछ कहना चाहेंगे? विवेक श्रीवास्तव जो अभी बता रहे थे, कई सारी बातें उन्होंने कही, और सबसे प्रमुख बात उन्होंने ये कही कि अजय मिश्रा जिस पद पर है उस पद से इस जांच को प्रभावित नहीं किया जा सकता है, आप सहमत है इस बात से? विवेक भाई बहुत सीनियर आदमी, इस बात को वो भी समझते हैं, लेकिन वो करें क्या? उनसे आज औरतें बिछाते नहीं बन रहा है। अगर विवेक भाई की अपनी अंतरात्मा से पूछा जाए तो आज वो भी हमारी और आपकी बात करेंगे जो बात हम और आप कर रहे हैं। अच्छा, अरे भाई, उत्तर प्रदेश का हिंदुस्तान से बाहर है, पहली बात। दूसरी बात, किस तरीके से राजनीतिक रसूख रखने वाले लोग छोटे बड़े मामलों में दखल देते, ये किसी से छिपा नहीं है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी खुद ही विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा, इनका लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, स्थानीय विधायक रहे हैं, तो जब स्थानीय विधायक रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की सियासत में ठीक ठाक दखल रखते होंगे। सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं, लखीमपुर से सांसद है, कहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सांसद तो है नहीं कि प्रभावित नहीं कर सकते। और डबल इंजन की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी इनकी सरकार है, केंद्र के अंदर भी इनकी सरकार है, कैसे नहीं प्रभावित कर सकते हैं ये? बिल्कुल प्रभावित कर सकते हैं, और प्रभावित करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। उसी क्रम में आज वो लखनऊ भी आए हुए हैं, और किस लिए आए हुए हैं वो? लखनऊ अगर आए हैं तो डबल इंजन की जो सरकार है उससे साधने का प्रयास करने के लिए आए हैं कि अपने बच्चे को बचाया जाए, स्वयं को बचाया जाए, और किसी तरीके से पूरे मामले की लीपापोती की जाए। जिस तरीके से अजय मिश्रा को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, दरअसल इसमें पूरा मामला समझना पड़ेगा। हाँ, समझाइए। इस पूरे मामले को समझना पड़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार की क्या सोच है इस किसान आंदोलन को लेकर, किसानों को लेकर, ये इस बात से अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। लखीमपुर में इतनी दुर्दांत घटना हुई, हृदय विदारक घटना हुई, यही लखनऊ आए नरेंद्र मोदी जी, यही लखनऊ से 131 किलोमीटर की दूरी पे लखीमपुर है, ना तो योगी आदित्यनाथ जी को फुर्सत मिलती है, ना तो नरेंद्र मोदी जी को फुर्सत मिलती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अभी एक इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ी था जिसको हल्की फुल्की चोटें आई थी, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी को हो जाती है। हमारी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी
शिखर धवन को अंगूठे में चोट लगती है उसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी को हो जाती है, लेकिन उनके मंत्री का बेटा यहाँ 8-8 किसानों को 8 लोगों को रौंद कर मार देता है, उसके लिए इनके पास संवेदना के एक शब्द नहीं है, एक पल नहीं है कि जाके वहां पर संवेदना प्रकट करके चले आए। साफ साफ पता चलता है कि पूरा मामला जो है वो कारपोरेट की गुलामी से जुड़ा हुआ है। जहां मामला 3 काले कानूनों को लेकर है, जो सारे विरोध चल रहे हैं वो 3 काले कानूनों के खिलाफ चल रहे हैं, और यहां पर सरकार बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं है, सरकार किसानों के सामने घुटना टेकने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार ने अपने आप को पहले ही कारपोरेट घरानों के गिरवी रख दिया है। सरकार खुद चल ही नहीं रही है, सरकार को तो अडानी अंबानी जैसे कारपोरेट चला रहे हैं, तो सरकार के पास कोई संवेदना नहीं है। ये अच्छा। सरकार नहीं चल रही है, एक बिजनेस मॉड्यूल चल रहा है जिसे कारपोरेट घराने चल रहे हैं, तो बिजनेस मॉड्यूल में किसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं होती जो साफ साफ यहाँ झलक रहा है। तो जहां तक केंद्र सरकार की चलने वाली है, ये किसी को सजा नहीं देने वाले हैं, ये मामले को दबाने वाले हैं, मामले को ठंडे बस्ते में डाल देने वाले हैं, और लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक सशक्त और व्यवहारिक और सकारात्मक विपक्ष के रूप में इस पूरे मामले को उठाती रहेगी। सबसे पहला इनिशिएटिव अगर किसी ने उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर की घटना को लेकर किया था तो माननीय राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री संजय सिंह जी ने किया था, जिनको 3 दिन तक बंधक बना के रखा गया, गिरफ्तार करके रखा गया, और ये हमारी जिद थी कि जिसकी वजह से राज्य सरकार को झुकना पड़ा और एक के बाद एक सारे विपक्षी दलों को मिलने की अनुमति दी गई। ठीक है सर, और लगातार इस मामले पे हम लोग इसी तरीके से आवाज उठाते रहेंगे, और जब तक दोषियों को सजा नहीं दी जाती, जब तक अजय मिश्रा टेनी बर्खास्त नहीं किए जाते, इस्तीफा नहीं देते, तब तक आम आदमी पार्टी शांत से नहीं बैठने वाली। ठीक है सर। विवेक भाई, ये प्रदीप जी अभी कह रहे थे कि आपने जिस तरह से बात कही कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस पूरी जांच में उस जांच को प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन प्रदीप जी तो कह रहे हैं कि कर सकते हैं, इमरान लतीफ भी वही बात कह रहे हैं कि कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो पहले विधायक भी रहे हैं तो सरकार से भी उनका लगाव अच्छा खासा होगा, और इसी वजह से अभी तक ये सारी चीजें हुई हैं इतनी हिलाह वाली। दूसरी चीज, एक बात बहुत अहम कही इन्होंने, इमरान लतीफ ने, कि जब किसी विपक्षी पार्टी का नेता लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहा था तो आप लोगों ने उसको हिरासत में ले लिया, उसे गिरफ्तार करवा लिया, लेकिन अभी तक जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी ना तो हुई है ना ही किसी प्रकार का कुछ ऐसा लग रहा है कि गिरफ्तार किया जा सकता है। और अहम बात एक ये उन्होंने बताई है हमें, जैसे कि अभी वो बोल रहे थे कि आप लोग अपने ही कार्यकर्ता के यहाँ नहीं गए, तो ये सारे जो कुछ सवाल हैं ये अहम है, और इसमें बीच में एक सवाल मेरा आपसे ये है कि सरकार का कोई नुमाइंदा उनके बीच क्यों नहीं गया, उस पीड़ित परिवार के घर क्यों नहीं गया, जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है, किसी ने भी कोई भी बात करने की कोशिश नहीं की। विपक्षी दल के नेता लगातार वहां जा रहे हैं, आए दिन कभी लखीमपुर कभी बहराइच, सब वो जा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी से कोई भी वहां पर नहीं गया, ना किसी ने जानने की कोशिश की पूरे मामले के बारे में। देखिए, सरकार के तरफ से एडीजी लाइन ऑर्डर पहले दिन घटना के बाद ही गए वहाँ। सर, वो पार्टी के नेता नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे तो थे ही। अच्छा। जी का ऐलान उन्हीं से बातचीत के बीच में हुआ, उन्हीं से राकेश टिकैत जी की बातचीत के दौरान हुआ है। और संजय भाई प्रतिनिधि बन के जा सकते हैं एडीजी, हेलो एडी सरकार के प्रतिनिधि तो ही हो एडीजी लाइन ऑर्डर, इनको लगता है और कि दूसरी वही प्रतिनिधि है फिलहाल, तो सही कह रहे हैं कि सरकार के सरकार कर रहे सरकार के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से एडीजी लाइन ऑर्डर वहां मौके पे गए थे और उनसे ही राकेश टिकैत जी के बातचीत में विषय का हल निकला। और रही बात, नहीं ये बता रहे एडीजी हेलो गए थे, रही बात जो प्रदीप जी कह रहे हैं, दूसरी बात देखिए, स्थानीय स्तर तो सरकार और पार्टी स्थानीय तो एडीजी एलओ का भी इस्तीफा हो जाना चाहिए अगर वो नुमाइंदे हो गए हैं। मैंने ये तो नहीं, बड़ी दिक्कत है, मैंने सरकार मैं पार्टी का नुमाइंदा बता रहा हूँ, आप विषय को अगर आप भाजपा संगठन की बात नितिन जी, भाजपा संगठन का भाजपा का कोई नेता गया, भाजपा नेता की बात हो रही है, जनता पार्टी। हाँ प्रदीप जी क्या कह रहे हैं बताइए। नितिन जी, दीप श्रीवास्तव जी जो कह रहे हैं ना, हाँ हमारे मथुरा में योगी आदित्यनाथ जी की 10 तारीख की चुनावी सभा थी, हाँ। सभा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, सभा को आज कैंसिल करना पड़ा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या मंत्री की हैसियत नहीं है किसानों के बीच में जा सके। अच्छा, यह अपनी बात 5 वर्षों में इन्होंने झूठ बोलने के अलावा न क्षेत्र में कोई विकास किया, न किसी के दर्द में लोग
ठीक है भाई, मैं आता हूँ प्रदीप जी, मैं आता हूँ आपके पास। किसी गांव में सभा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आपकी बात आ गई, मैं विवेक जी से जवाब ले लूँ। हाँ विवेक जी, क्या कह रहे थे, पूरी करिए अपनी बात। देखिए, मैंने ये कहा था कि सरकार के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से डीजी लाइन आर्डर मौके पे गए थे और उनसे राकेश टिकैत जी की वार्ता में ही समझौते का ऐलान हुआ और ये जो क्षतिपूर्ति जो मुआवजा दिए जाने की बात हुई उन्हीं से बातचीत के बाद निकली। और रही बात जब भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वयं वहाँ उपस्थित हैं और तमाम हमारे विधायक मंत्री वहाँ मौके पे हैं, हम इन दलों की तरह जमीन पे शून्य की स्थिति में नहीं है। तो डर तो उन्हीं से सबसे ज्यादा ये लोग जता रहे हैं ना कि ये वहाँ पे जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मौजूद हैं। मेरी बात सुन ले, इनको ये इनका इनके जो अनुभव वो ये बता रहे हैं, हमारे दल के विधायक वहाँ पर है, हमारे दल के सांसद वहाँ पे है, हमारा जो संगठन है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरह जमीन पे शून्य नहीं है, हमारा संगठन जमीन पे विद्यमान है। आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, बिल्कुल है, बिल्कुल है, इस पे गर्व है। लेकिन कोई एक तस्वीर दिखा दीजिए कि आपका कोई गणमान्य नेता, आपके प्रदेश अध्यक्ष, आपके कोई मंत्री वहां पे गए हो, कोई किसी प्रकार की मदद की हो, पुलिस के माध्यम से आप कहीं पहुंच सके। लेकिन जो बात एक हो रही कि किसान के बीच में जाने की नैतिकता और ताकत आप खो चुके हैं, आप नहीं जा सकते हैं वहां पे, आपको डर लगता है। तीन काले कृषि कानून है, ये उद्योगपतियों के लिए बनाए गए हैं और ये किसानों के खिलाफ है। और आपको भली भांति पता है, प्रधानमंत्री जो है 10 किलोमीटर नहीं चल सकते यहाँ, 131 किलोमीटर नहीं जा सकते हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए बाकी नेताओं की। जी बार बार किसी कानून को काला कहने से काला नहीं हो जाता, अभी मैं पूछूंगा आपसे तो आप बता नहीं पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। आप आइए ना, आप बताइए, एमएसपी को कानून बनाइए ना। आप हर चीज के लिए, आप 70 साल आप देश पर राज के, आपने कानून क्यों नहीं बना दिया? कानून उस पे बना हुआ, उस पे आपने छेड़छाड़ की है। आपने गेहूं धान और गन्ना छोड़ के किसी पर कानून बना हुआ था, प्रधानमंत्री ने छेड़छाड़ की है। आप ऐसे शोर मचा देने से आपको थोड़े आप सही हो जाएंगे। केवल बार बार उद्योगपतियों के अनुसार तीन काले कृषि कानून लाए गए, एमएसपी का प्रावधान था, आपने उसको फ्री कर दिया, आपने उद्योगपतियों की गुलामी करने के लिए स्वतंत्र कर दिया, उद्योगपतियों की कालाबाजारी करने के लिए। ये खूब देश जानता है कि आपके मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्रियों के विभाग का बंटवारा कैसे होता है। किसानों के बीच में नहीं जा सकती है, मृतक भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जा सकती है। आपको इतनी भी संवेदनशीलता नहीं कि आपके कार्यकर्ता मरे हैं उनको न्याय दिलाने की बात भी आप नहीं कर सकते हैं। शामिल है, जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन्हें उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की चिंता है, लेकिन अभी राजनीतिक अपनी हैसियत खो चुके हैं। इस प्रदेश में इनकी हैसियत नहीं है, इस प्रदेश में इनकी हैसियत नहीं है। गांव में जाकर मैं के साथ कह सकता हूं कि 20 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पे ढुलमुल रवैया ही अपनाएगा, नोटिस ही चस्पा होती रहेगी। ठीक है, किसी जांच को प्रभावित करने के लिए आप ऐसा बयान दीजिए गैर जिम्मेदारी वाला। भारतीय जनता पार्टी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बयान दे रहा हूं, गैर जिम्मेदारी वाला रवैया नहीं है। गैर जिम्मेदारी वाला जांच चल रही है, जांच अपने तरीके से आगे बढ़ेगी, जांच में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, किसी को बिना पुख्ता सबूत के आरोपी कह देना ये उचित नहीं। आरोपी कहना क्या बात कर रहे हैं, अगर हम आरोपी नहीं कहें तो देखना चाहिए कटघरे से बाहर है। आपकी पार्टी को देखना चाहिए, पुख्ता तभी जांच होगी, आप जनता की जांच कर रहे हैं जब आरोपी ही नहीं है। आप किस बात की जांच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं जब आरोपी ही नहीं। अजय मिश्रा टेनी गुरु, टेनी महाराज, आप गिरफ्तार कर पूछताछ करनी चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। उससे पहले अजय मिश्रा का इस्तीफा जरूरी है, क्योंकि तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। ठीक है, इमरान नहीं भाई साहब, केशव मौर्य का भी जरूरी है, क्योंकि केशव मौर्य अजय मिश्रा दोनों घटना से संलग्न। अच्छा, केशव मौर्य का इस्तीफा दिया जाए, अजय मिश्रा टोनी का दिया जाए। ठीक है, अगर दोनों पद पर बने रहेंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी।
प्रदीप भाई मैं 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, हम बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी जब से ये घमंड पाल लिया है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, इनको किसान भी नजर नहीं आ रहा है, नौजवान भी नजर नहीं आ रहा है, मजदूर भी नजर नहीं आ रहा है, गरीब भी नजर नहीं आ रहा है, ये अपने भारतीय जनता पार्टी के रोलर से कुचल और जिस तरीके से सरकार घमंड में है, मैं आपके चैनल पूरा देश देख रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की हैसियत नहीं है, गाँव में किसान नौजवान से जाके वोट मांग रहे, ये टीवी पे बात कर सकते हैं, चैनल पे बात करते हैं, अखबार में कह सकते हैं। ये श्रीवास्तव जी बता रहे आपके माध्यम से कि देश प्रदेश में इन्होंने कोई ऐतिहासिक काम किया हो, अखिलेश यादव जी के विकास कार्यों का फीता काटना या ना बदलना, ठीक है, जिस तरीके से तमाम ना बदले, इनसे पूछिए किसी एक निर्माण कराया, ठीक है सर, उस पे किसी और दिन, उस पे किसी और दिन चर्चा करेंगे, हम आपको आमंत्रित करेंगे, उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। इमरान भाई, ये विवेक जी कह रहे हैं कि बिना साक्ष्य के किसी को आरोपी नहीं कहना चाहिए और आप लोग आरोपी कह रहे हैं। देखिए, आरोपी तो इनकी सरकार ने बनाया है, इनकी पुलिस ने बनाया है, हम तो कह रहे हैं कि आरोपी नहीं, वो अपराधी है, प्रत्यक्ष साक्ष्य उनके खिलाफ है। अच्छा, और दूसरी बात जो है कि ये इनको जाना चाहिए, लखीमपुर जाना चाहिए था इनको, कम से कम किसानों से ना मिलते, किसानों से इनकी दुश्मनी है, क्योंकि ये कारपोरेट घरानों के सगे हैं, तो किसानों के जाहिर सी बात है दुश्मन ही रहेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के पास चले जाते। अभी विवेक भाई ने खुद ही कहा कि 4 कार्यकर्ता उनके भी इस पूरे मामले में मरे हैं, तो कम से कम अपने कार्यकर्ताओं से मिलने चले जाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अच्छे से पता है, इनके नुमाइंदों को अच्छे से पता है, इस समय जनता का गुस्सा सातवें आसमान पे है, जन आक्रोश सातवें आसमान पे है, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है, लोग इनसे नाराज हैं, अगर ये फाड़े जाएंगे इस वजह से, क्योंकि ये जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं, किसानों को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं, इस वजह से ये जनता के बीच में नहीं जा सकते। अब इनको छुप छुप के ही रहना है, इसी तरीके से अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ये अपराधियों को बचाएंगे, अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे, जो इन्होंने पूरी तरीके से पूरे लोकतंत्र को गिरवी रख लिया है उसको और कमजोर करने का काम करेंगे, इसके अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं, जनता के बीच बिल्कुल नहीं। ठीक है इमरान भाई। संजय जी, 30 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जब से यूपी आई हैं, उत्तर प्रदेश आई हैं, उनका मंतव्य सिर्फ इतना है, एक चेहरे के रूप में, कांग्रेस पार्टी के रूप में, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार से इतना कहना चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें बन रही हैं कांग्रेस की सरकार जाने के बाद, वो उत्तर प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए काम करें, उनको न्याय दिलाने के लिए काम करें, उनके विकास में काम करें। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इन तीनों काम में फेल होती है, अगर उनके विकास के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए काम करने में फेल होगी, तो हम कदम कदम पे इसका विरोध करेंगे। इस मामले में भी पंजाब सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार जहां कांग्रेस की है, उनके मुख्यमंत्री आए, उन्होंने पीड़ितों को 50-50 लाख दिया, प्रियंका गांधी जी ने पीड़ितों से मिली और न केवल वो आम किसान से बल्कि भाजपा के मृतकों से भी मिलना चाहती थी, लेकिन आईजी लखनऊ ने बताया कि वो परिवार नहीं मिलना चाहते हैं भाजपा वाले, वो मिली। और भविष्य में हमारा यही मानना है कि या तो ये लखीमपुर को न्याय दें, लखीमपुर जाएं, और नहीं तो ये 2022 में उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं भाजपा सरकार के लिए, सिर्फ इतना कहना। ठीक है सर। विवेक सर, आप मुझे ये बताइए, जैसा कि संजय जी भी कह रहे थे कि प्रियंका गांधी भाजपा कार्यकर्ताओं के घर भी जाना चाह रही थी, आप लोगों ने रोक दिया, तो क्यों रोक दिया, और अब ये जांच जो चल रही है, कितने उम्मीद हम आपसे लगाएं कि कितनी जल्दी न्याय मिल जाएगा जो पीड़ित परिवार है उन्हें? देखिए नितिन जी, उच्च स्तरीय जाँच चल रही है, एक सदस्यीय न्यायिक आयोग भी बना दिया गया है और स्वयं मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी बड़े से बड़ा नाम अगर इसमें लिप्त मिलता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। दोषी सीखों के पीछे होंगे, कोई बच नहीं पाएगा। जांच की नोटिस चस्पा है, आप आइए जवाब दीजिए, एक दिन दो दिन आपको मौका दे सकता है प्रशासन, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। इस सरकार में कोई बख्शा जाने वाला नहीं है। रही बात हमारे कार्यकर्ता जो हताहत हुए, हमारी उनके साथ भी पूरी संवेदना, जिस तरह से उनको बर्बरता से
कालकवलित किया गया, वो भी दुखद है। और रही बात जो बार बार ये मित्र हमारे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता वहाँ नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी हर... कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जा रही थी तो आप लोग, अब ये इनका विचार है, ये कह रहे हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं कि प्रियंका जी का क्या कार्यक्रम था, वो ये बेहतर बता सकते हैं, मेरी उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। फिलहाल सरकार का पूरा जो फोकस है उस जांच को उचित डायरेक्शन में ले जा करके दोषियों को दंडित करने का और भुक्तभोगियों को न्याय दिलाने का। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो साथियों, हमारा प्रयास यही है कि लखीमपुर की घटना में जो भी पीड़ित परिवार हैं, जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनकी आवाज लगातार बुलंद रहे, और इसी वजह से हम लगातार इस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं कि जो दोषी हैं, जिनके ऊपर जिनके नाम FIR में आए हैं या जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके पुलिस अपनी जांच अपनी विवेचना पूरी करे, ताकि सही तरीके से न्याय, स्पष्ट न्याय निकलकर सामने आ सके। लेकिन जिस तरह से हिला हवाली हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगातार बनते जा रहे हैं कि क्या कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस पूरे मामले को किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए या फिर आरोपियों को बचा लिया जाए। लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम लगातार इस मामले पर अपडेट आप तक पहुंचाते रहें, और जहां पर भी कुछ भी कड़ी ऐसी कमजोर नजर आती है या आएगी, या फिर ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं विपक्ष भी कुछ ज्यादा ही इस पूरे मामले को तूल पकड़ा करके इस पूरे मामले को गर्म करने में लगा हुआ है, और सरकार अपनी बेहतर तरीके से काम कर रही है, जांच बेहतर तरीके से कर रही है, हम उस दौरान भी इस चर्चा को करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि न्याय सही तरीके से होए। आज के डिबेट में इतना ही, हमें दीजिए जनमत। नमस्कार।